आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। और बड़ी खबर पुणे में एटीएस की बड़े ऑपरेशन से जुड़ी हुई है। एटीएस ने बहुत बड़ा ऑपरेशन किया है और यहां पर एटीएस की गिरफ्त में आतंकियों का फंड मैनेजर आया है। आतंकी के पास चाबड़ हाउस की गूगल इमेज मिली है। कोलाबा स्थित चाबड़ हाउस की सुरक्षा को फिलहाल बढ़ा दिया गया है। अब तक एटीएस ने 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आपको यह जानकारी दे दें कि 26/11 हमले में चाबड़ हाउस टारगेट पर था। अब एक बार फिर आतंकियों के पास उसकी गूगल इमेज मिलने से चौकसी बढ़ा दी गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर और इस पर और क्या जानकारी हमारे पास है, किस तरीके से जांच अब आगे बढ़ रही है, मेरे सहयोगी कृष्णा ठाकुर इस वक्त सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा बताइए जरा। श्रीन देखिए, 26/11 के आतंकवादी हमले के बाद दक्षिण मुंबई के कोलाबा इलाके में स्थित छाबड़ हाउस, जो यहूदियों का कम्युनिटी सेंटर है, एक बार फिर से चर्चा में है। और चर्चा में होने का कारण यह है छाबड़ हाउस के कि बीते दिनों पुणे पुलिस ने 2 संदिग्ध आतंकवादियों को पकड़ा था, जिसको इस वक्त महाराष्ट्र एटीएस के हिरासत में उन्होंने दिया है। और महाराष्ट्र एटीएस इन 2 आतंकवादियों से लगातार पूछताछ कर रही थी और इसी पूछताछ के दौरान उनके पास से कई दस्तावेज जो है वो बरामद हुए हैं। और उसी दस्तावेज के छानबीन के दौरान, जांच के दौरान, महाराष्ट्र एटीएस के हाथ जो है वो छाबड़ हाउस की गूगल इमेज लगी है। उसके बाद महाराष्ट्र एटीएस ने मुंबई पुलिस को ये सारी जानकारी साझा की है और पूरी अलर्ट मोड पर अब मुंबई पुलिस है। आपको बता दें कि जब महाराष्ट्र एटीएस ने इनसे जानकारी साझा की है तो मुंबई पुलिस ने पहले यहाँ पर रेकी की है, उसके बाद यहाँ पे कई सारे जो है पुलिस तैनात किए गए हैं। इस वक्त मैं छाबड़ हाउस के ठीक बाहर मौजूद हूँ क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव इलाका है ये, और 26/11 के बाद यहाँ पर लगातार जो है पुलिस की तैनाती रहती है। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र एटीएस को ये जानकारी दी, उसके बाद जब मुंबई पुलिस को ये जानकारी साझा की गई है, तो सबसे पहले यहाँ पर कम से कम 15 से 20 पुलिस वाले जो है वो तैनात है और इस पूरे छाबड़ हाउस इलाके को छावड़ी में तब्दील कर दिया गया है। ठीक है कृष्णा, आप जानकारी दे रहे हैं हमारे दर्शकों को किस तरीके से ये बड़ी सफलता तो है, लेकिन कितनी बड़ी साजिश को अंजाम देने के फिराक में ये आतंकी थे, ये भी कहीं ना कहीं खुलकर सामने आए। नजर आप रखिएगा, फिलहाल आपका शुक्रिया। इस खबर पर नजर हमारी बनी हुई है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।